बिलो। तो दोस्तों, इस सीरीज के सारे एपिसोड को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अब हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया है। तो फाइनली मैंने इस सीरीज के सारे एपिसोड को देखकर खत्म कर लिया है। तो मैं आप लोगों को इस रिव्यू के जरिए बता दूं कि इस सीरीज को देखने के बाद ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो आप देखेंगे इस सीरीज में कि हीरोज का एक ग्रुप जो जा रहा है अपने घर से दूर किसी खतरनाक जर्नी पर, जहाँ उनको तलाश है जादूगर बिलो की, ताकि वो उस जादूगर के साथ मिलकर अपनी दुनिया पर आने वाले बड़े खतरों को बचा सके। तो क्या यह ग्रुप अपनी जर्नी में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, और उनको उस जर्नी में कौन कौन से चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस सीरीज को। अब रहा आपका सवाल कि मुझे बिलो सीरीज कैसी लगी। तो मेरी नज़र में ये सीरीज आपको पसंद आएगी, और जो जर्नी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी वो आपको स्टार्ट टू एंड डिसेंट एंगेज करके रखेगी, और साथ ही इस सीरीज के हर एपिसोड में करेक्टर आपको अलग अलग खतरों का सामना करते हुए भी नजर आएंगे। और अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के एक्शन सीक्वेंस, म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क की। तो जो एक्शन इस सीरीज का है वो बस ठीक ठाक सा है, लेकिन जो म्यूजिक है और जो ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है इस सीरीज का वो अच्छा है। अब बात कर लेते हैं पैरेंटल गाइडेंस की। तो चाहे तो आप इस सीरीज को फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन आपको इस सीरीज में कुछ किसिंग सीन जरूर देखने को मिलेंगे और थोड़ी बहुत एडल्ट लैंग्वेज भी सुनने को मिलेगी। और अभी इस सीरीज की कहानी को सीजन 1 में कंप्लीट नहीं किया गया है, अभी इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।